नमस्कार, मैं निरंजन, ईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईजी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि ईजी न्यूज के जब भी नए वीडियो आएंगे तो आपको उसके बारे में सूचना मिलेगी। आज का विषय है, राज ठाकरे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख है, उन्होंने मुंबई में अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा में बात करते हुए राहुल गांधी पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की औकात नहीं है कि वो सावरकर पर बात करें। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी को कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। पहले कुछ 19-20 अलग अलग सवाल उनको पूछे, 21वां सवाल उनको पूछा गया था सावरकर के बारे में। और जब वो सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने सावरकर का एक मर्सी पिटीशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया। हालांकि सभी को मालूम है कि सावरकर ने 6 मर्सी पिटीशन खुद दिए थे, इसके अलावा उनके भाई ने दिए थे, उनकी भाभी ने दिए थे, उनकी वाइफ ने दिए थे, लेकिन खुद सावरकर ने 6 पर्सनल मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को दिए थे, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से ये कहा था कि मैं अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से सहकार्य करूंगा, कॉपरेट करूंगा, जो भी अंग्रेज सरकार मुझसे कहेगी या करवाएगी वो उसे मैं जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था, लिखा था कि वेयर एल्स विल दिस प्रोडिगल सन टर्न बट टू द मर्सीफुल डोर्स ऑफ द पेरेंटल गवर्नमेंट। अब इसका हिंदी में मतलब है कि ये राह भटका हुआ, बिगड़ा हुआ लड़का माए बाप अंग्रेज सरकार के दरवाजे पर दया की भीख मांगने नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, ये उन्होंने अंग्रेजों को लिखा था अपने खत में। और हर खत का जब एंड किया था तो उसमें अपनी सिग्नेचर, अपने दस्तखत करने से पहले उन्होंने लिखा था, आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। इसका मतलब है कि मैं आपका आज्ञाकारी नौकर रहने की भीख मांगता हूं, और उसके नीचे उन्होंने दस्तखत किए थे। और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे 6 मर्सी पिटीशन उन्होंने खुद अंग्रेजों को दिए थे, जिसके बाद उनको रिहा किया गया। और इसके बारे में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की औकात नहीं है। अब अगर राहुल गांधी की औकात नहीं है तो किसकी औकात है? राहुल गांधी के फैमिली में किसी ने भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, किसी ने भी अंग्रेजों से दया की गुजारिश नहीं की। उसकी फैमिली के सदस्य इस देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए शहीद हुए, दो, उसके पिताजी और उसकी दादी ये शहीद हुए, और उसके जो परदादा थे राहुल गांधी के, उन्होंने 10 साल करीब अंग्रेजों की जेल में वो रहे। इसके अलावा भारत निर्माण का जितना काम है आजादी के बाद, उसमें बहुत और सबसे महत्वपूर्ण योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। तो ऐसे विरासत से आने वाले राहुल गांधी को अगर हक नहीं है तो फिर किसे हक है? क्या उनसे ज्यादा माफी मांगने वालों को हक है? सावरकर ने 6 बार मांगी तो उनसे ज्यादा जिसने मांगी होगी उनको हक है। लेकिन दस्तावेज जो है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है अंडमान के, वो तो ये बताते हैं कि सावरकर के अलावा और 2 लोगों ने वहां पर माफी मांगी अंग्रेजों से। उसमें से एक थे सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिनको बाबा राव सावरकर कहा जाता था, और तीसरे थे बारिन घोष, जो अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने भी एक ही मर्सी पिटीशन दिया, 6-6 मर्सी पिटीशन नहीं दिए थे उन्होंने। अब इससे ज्यादा क्वालिफाइड, ज्यादा दया की भीख मांगने वाला दूसरा कोई था नहीं, तो राहुल गांधी ने उनके बारे में जिक्र किया क्योंकि उनको सवाल पूछा था। और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, उससे पहले जो 19-20 सवाल पूछे थे उसके बारे में मीडिया ने कोई पब्लिसिटी नहीं की, उन जवाबों के बारे में, सिर्फ इसी एक सवाल के जवाब के बारे में मीडिया ने पूरी तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की। उसी कंट्रोवर्सी में राज ठाकरे भी फंस गए और राज ठाकरे कहने लगे कि अंग्रेजों से दया की अर्जी करना, मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को देना, ये वहां उस वक्त उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। कमाल हो गया ये, अंग्रेजों से दया की भीख मांगना ये स्ट्रेटेजी हो गई। तो फिर अंग्रेजों से पेंशन लेने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? अंग्रेजों से दो जो सावरकर हर महीना 60 रुपया पेंशन लिया करते थे, वो क्या स्ट्रेटेजी थी? अभी तक तो कोई माफी मांगनी ये मानने के लिए भी तैयार नहीं था। आज कम से कम इतना तो मांग लिया कि हां मांगी थी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी थी।
तो फिर पेंशन की स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने ये जो सावरकर की किताब है राज ठाकरे ने पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, ये उनकी जो पहली किताब है हिंदुत्व नाम से, जहां पर उन्होंने पहली बार इस शब्द को का प्रयोग किया। उसके पहले हिंदुत्व नाम का शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हिंदुत्व नाम की एक किताब सावरकर ने लिखी, जिसकी ये ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, और ये किताब उन्होंने लिखी थी एक मराठा इस पेन नेम से, एक मराठा। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? अपना खुद का नाम लिखने के बजाय मराठा नाम से उन्होंने ये किताब लिखी, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी जरा बताइए। इस किताब में उन्होंने टू नेशन थ्योरी को लिखा, द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसे कहते हैं, उस सिद्धांत को लिखा कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र हो ही नहीं सकते। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? हिंदू महासभा के जब वो प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हिंदू और मुसलमान एक देश हो ही नहीं सकते, ये दो अलग अलग देश होने चाहिए। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? फिर उन्होंने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की डिमांड के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूं, मेरी पूरी तरह से सहमति है कि मुसलमानों का अलग देश बनना चाहिए। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? और अगर अलग देश बनना चाहिए ये स्ट्रेटेजी थी तो अखंड भारत के लिए गांधी जी का हत्या क्यों की? और गांधी हत्या की कॉन्स्पिरसी, उन्होंने ये कपूर कमीशन की रिपोर्ट के इतने पन्ने पढ़े तो भी काफी हो जाएगा, जिसमें ये क्लियर कट लिखा है कपूर कमीशन ने कि गांधी हत्या की कॉन्स्पिरसी ये उनके घर में बनाई गई, ये मुख्य सूत्रधार थे गांधी जी की हत्या के। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी किताब है जो मैंने नहीं लिखी, मेरी तो अभी आने वाली है, लेकिन सावरकर के जो असिस्टेंट थे A.S. भिड़े नाम के, जो सावरकर के ही घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे सावरकर सदन में, जो सावरकर सदन राज ठाकरे के कृष्ण कुंज के बिल्कुल सामने है शिवाजी पार्क पर, तो वहां पर वो रहते थे, और उन्होंने ये 1516 पन्नों की किताब लिखी, 1516 पन्ने। इसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर वर्ल्ड वाइड प्रोपोगंडा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स डायरी, ये उस किताब का नाम है। और इसमें सावरकर के जितने खत थे, सावरकर के जितने स्पीचेस थे, सावरकर ने जो टेलीग्राम्स लिखे थे, वो सारे इसमें लिखे हैं। अब ये एक बार वो पढ़ ले और उसके बाद बोले कि किसकी औकात हो सकती है और किसकी औकात नहीं हो सकती। वो अपने दादाजी राज ठाकरे जी, अगर अपने दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे ने सावरकर के बारे में क्या लिखा है उतना पढ़ेंगे तो भी बात बन सकती है। हर चीज के पीछे स्ट्रेटेजी बताना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आज मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ सभा लेने वाले राज ठाकरे और लगाओ वो वीडियो ऐसा कहने वाले राज ठाकरे ईडी की नोटिस आने के बाद अचानक पार्टी का झंडा बदल देते हैं, और वहां इकट्ठा हुए सारे मराठी बंधु भगिनियों ऐसा अपने स्पीच की शुरुआत करने वाले, आज अचानक इकट्ठा हुए सारे हिंदू भाइयों और बहनों ऐसा कहने लगे हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये स्ट्रेटेजी ईडी ने तय की है? और ईडी ने अगर तय की है तो कम से कम राहुल गांधी ईडी की वजह से अपनी स्ट्रेटेजी तय नहीं करते। ईडी ने उन्हें भी बुलाया, रात रात तक बिठा के रखा, 9-9 घंटे बिठा के रखा, लेकिन वो हारे नहीं, वो निडर होकर बाहर निकले हैं। और वो अकेले नेता है जो 2014 से लेकर बार बार इस देश में विभाजन की प्रवृत्ति और नफरत फैलाने वाले आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खुलेआम बात करते हैं। वो चाहते हैं कि ये देश इकट्ठा हो, वो यहां भाषा, लिंग, प्रांत, धर्म, जाति इस आधार पर भेदभाव नहीं चाहते, यहां पर डिविजन्स नहीं चाहते, वो इस देश को एक यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, भारत जोड़ना चाहते हैं, ये एक ही उनकी स्ट्रेटेजी है। और इस भारत जोड़ो के रास्ते में जितने मुश्किलें आड़ आएंगी, चाहे वो सावरकर की आइडियोलॉजी हो, तो उसके खिलाफ वो बात करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ना यही आज के दिन में सही आइडियोलॉजी हो सकती है, सही स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। मुझे लगता है स्ट्रेटेजी के बारे में काफी बोला है और बहुत सारी बातें हैं, खासकर पर्सनल लेवल की,
वो सावरकर की जय के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी है। धन्यवाद।